हे गाइस गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जाने वाले हैं एक राइड पे छोटी सी, तो अपनी कावा चाची को लेकर, कब्बू को लेकर हाँ कब्बू को लेकर जाते हैं। पहले यहाँ से चाबी भी ले लेते हैं, चाबी भी बहुत, चलो चाबी तो ले लेते हैं, चलो ले लिए। अब सीधे चलते हैं नीचे क्योंकि कावा चाची को उठा के राइड पे चलना है गाइस। तो आजकल देख रहे हो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ किया करो ब्रो, दिल से बुरा लगता है। तो एक बार देखो, मैंने कल ही इसको धुलवाई है, मतलब इसकी धुलाई की, मतलब धुलाई तो नहीं की है, धुलवाई है इस गाड़ी को। अपनी कब्बू कितनी सुंदर लग रही है। तो अभी चलते हैं छोटी सी राइड पे। तो यहाँ पर लैम्बोर्गिनी वाले भी, मैं दुबई में एक टाइप का फीलिंग आती है कि मैं दुबई में रहता हूँ लेकिन हूँ मैं इंडिया में। तो अभी हम लोग कब्बू को, आगे का सीन भी बहुत, मतलब पीछे से तो अलग ही लुक आता है, आगे से थोड़ी दिक्कत हो जाती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलता है। तो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ी दूर, पता नहीं कहाँ तक राइड करें, कुछ आज प्लान तो नहीं है बट थोड़ा तो जाएंगे, मतलब एक टाइप का कोशिश करूँगा कि मैं 5 मिनट के ऊपर ही वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग फुल देखते हो तो ठीक है, मेरे लिए भी आपका भी फ़ायदा होगा, आपका भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ी सी राइड पे, पता नहीं ये रोड मेरे को पता है कहाँ जाती है। वैसे यहाँ पर लोग भी बहुत ज़्यादा, आगे मतलब ट्रैफिक रहता है बट उतना तो ट्रैफिक नहीं इसको बोल सकते हैं, उसको मतलब ट्रैफिक रहता ही नहीं है, मैं तो उल्टा बोल दिया इसका कि इधर ट्रैफिक ही नहीं रहता है। मतलब हम लोगों का क्या, अच्छा मेरा ही, मेरे पीछे कौन बैठा है गाड़ी में। तो अभी मेरा प्लान हो रहा है कि अब मतलब थक तो चुके ही हैं, तो अब थक गए हैं तो अब चलते हैं घर ही, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है राइड करने का। मतलब एक टाइप का राइड में मज़ा आता है यार, बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा बताओ तो बहुत सारे हैं, ये तो मैंने रॉन्ग मतलब गलत ही बोल दिया कि राइड करने में कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत फ़ायदा होते हैं, इतनी इंटरेस्ट आता है ना, मज़ा। आप लोग एक बार राइड करके देखो और उसमें जो विली विली मार दो भयंकर यार, बहुत मतलब सही लगता है। तो यही वाली रोड से हम लोग निकल जाते हैं क्योंकि ये शॉर्टकट टाइप का पड़ता है। तो अबे यार गाड़ी भी मेरे से ढंग से नहीं चल पा रही है, ऐसा पता नहीं अब क्या बोलूँ, गाड़ी मतलब सही से मेरे से चलती नहीं है, चलती तो है ट्रेंड भी बहुत हूँ बट अब क्या बताऊँ, कभी कभार होता है भाई, अपने भाई को माफ़ कर दो। और ज़्यादा कुछ हुआ है नहीं राइड में, अरे 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 तो मेरे को एकदम टाइम ही नहीं मिला, क्या हुआ भाई, कैसे वो औरत आ गई, औरत की तो फिक्र नहीं थी, मतलब फिक्र तो थी यार बट अब मैं पहले अपनी बाइक को उठाता, फिर मेरे को भी चोट आ गई थी थोड़ी थोड़ी, और बाइक का नुकसान ना हुआ हो तभी ठीक है। अभी देख लेते हैं थोड़ा और पास जाकर, भाई बाइक का उतना इस पट्टी से तो नहीं लग रहा कि मतलब ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन थोड़ा सा तो क्रैक क्रैक तो आई है भाई, इधर से टूटी आई है थोड़ी। चलो यार और ज़्यादा शॉर्टकट ले लेते हैं क्योंकि मैं गाड़ी इतना दूर से नहीं ले जा सकता हूँ, मैं पहाड़ों ही से सोच रहा हूँ चलता हूँ फिर हॉस्पिटल सीधे। मैं तो बस छोटी सी राइड करने आया था तो हॉस्पिटल आ गया है, तो अब चलते हैं थोड़ा हॉस्पिटल में। पहले मैं अपनी पट्टी अट्टी करवाता हूँ, फिर देखूँगा तो बाइक की करवाऊँगा या फिर अगले वीडियो में। तो अभी हम लोग बाइक को छोड़ो यार, मेरे दर्द ज़्यादा हो रहा है। 3 minutes later. तो अभी को हम लोग आ गए हैं पट्टी अट्टी करवा के, तो एकदम मस्त अभी चल पा रहे हैं हम लोग, मतलब उतना ज़्यादा डॉक्टर ने दवाई वाई भी लिख दी है थोड़ी थोड़ी, तो उसको खरीदेंगे अभी, तो मैं खरीद लूँगा बाद में। अभी सीधे चलते हैं हम लोग घर अपने, तो घर भी हॉस्पिटल से बहुत ही पास है, वो देखो घर दिख गया अपना,
यार, मैं तो उसे छोटी सी राइड पे निकला था और ये क्या हो गया। मेरी भी क्या गलती थी यार, वो बीच में आ गई। तब चलो गाड़ी पार्क कर देते हैं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं और परेशानी मतलब कोई क्या बताया यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।